नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्रश्न पर चर्चा करेंगे ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न कहाँ कहाँ पे पूछे जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम 10वीं में तो पूछे ही जाते हैं और आपके सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीका से, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका से हम इसको समझेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस प्रकार के जो प्रश्न बनाते हैं ना, उसको हम अनुपात और समानुपात, मतलब अनुपात के माध्यम से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको अनुपात को जानना होगा। तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि अनुपात में हम व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, है ना। व्युत्क्रम, जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की संख्या और दिनों की संख्या, अगर मैं व्यक्ति की संख्या को बढ़ाऊंगा तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, काम को 5 दिन में करता है, तो क्या दो व्यक्ति उससे ज्यादा दिन में करेगा, नहीं। जैसे जैसे हम व्यक्ति को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे दिनों की संख्या क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। 3 व्यक्ति करेंगे तो और कम हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई काम करने के लिए कहा जाएगा, तो व्यक्तियों की संख्या जो है दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या है, तो समानुपात में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ए अनुपात बी, ठीक है। यहां पर हम समानुपात लगा देते हैं, सी अनुपात डी। तो याद रखिए, ये जो ए है, ठीक है, वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और बी जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब अनुपात के रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपको दो बिंदु दिख रहा है उसे ही हम अनुपात बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ए बटे बी। ध्यान दीजिए, मैं आपको व्युत्क्रमानुपाती बता रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहां पर यदि मैं इसको क्या लिखूं, अब देखिए यहां पर ये जो समानुपात है उसके बराबर, तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहां पर हो जाएगा सी अनुपात डी। अब यहां पर मैं आपको ये बता रहा था कि ए जो है डी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, और बी जो है सी के। अब आपके पास ऐसे कोई प्रश्न आए, ठीक है, मान लीजिए यहां पर देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक्स का मान 10 है और यहां पर, सॉरी, यहां पर ए का मान 10 है, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, 5, और यहां पर क्या लिख देता हूं, 4, और यहां पर लिख देता हूं एक्स। तो जैसे जैसे आप इसके मान को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे ना, तो इसका मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, फिर यहां पर मैं आपको इसका प्रश्न ही बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो एक्स का मान कितना आता है, तो एक्स को मैं इधर ले आता हूं, ये देखिएगा, आप समझ आएगा आपको व्युत्क्रमानुपाति का मतलब। तो 10 जब इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 5 ऊपर चला जाएगा और 10 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का मान 5 × 20 / 10, मतलब कितना आया अभी फिलहाल, 2 आया है। मैं क्या बता रहा था, ये इनके मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा। जैसे मैंने क्या बताया था, इसका मान जैसे जैसे आप क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, तो इसका मान कम होता जाएगा, या फिर ये कहा जाए, इसके मान को जब आप कम करते जाओगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे मैंने यहां पर 10 लिया, अब मैं क्या बता रहा था, यदि इसके मान को मैं बढ़ाऊं, तो मैं एक बढ़ा के बताता हूं या फिर कम करके भी बता सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसके मान को बढ़ा रहा हूं, तो निश्चित रूप से इसका मान क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। यदि कम आता है तो व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है। तो चलो इसका मान मैं 20 रखता हूं। यहां पर देखिए, यदि इसका मान मैं 20 रखूं, तो नीचे तो 5 ही रहेगा, यहां पर 4 ही रहेगा, यहां पर x रहेगा, है ना। ये कुछ भी मान है भाई, ऐसा दिया रहेगा, तो इसको जब मैं हल करूंगा तो पुनः x इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 4 × 20, ये तो 5 ऊपर चला जाएगा और 20 हो जाएगा नीचे। ये क्या हो जाएगा, 5 × 20, ये देखिए x का मान कितना आया, 20 / 20, मतलब कट गया तो कितना आया, 1। मैंने क्या बताया था कि इसका मान और ये वाला मान व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी प्रकार ये भी होता है भाई, है ना। जो भी मान निकालना हो, तो मैं क्या बोल रहा था, मान ले जाए ये क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। एक उदाहरण के लिए, ये व्यक्ति की संख्या है और ये मान ले जाए दिनों की संख्या है, ठीक है।
तो आपको क्या समझ आया, व्यक्ति जो है, व्यक्ति की जो संख्या है वो हमेशा दिनों की संख्या से हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटता है, ये नियम है। और इसी नियम का उपयोग करके हम ये गणित बनाने वाले हैं। तो मैंने यहां पर आपको बेसिक समझाया है, इसी के आधार पर हम यहां पर क्या करेंगे, गणित बनाएंगे, ठीक है। तो ये सूत्र हमें काम आएगा ये वाला, है ना, बाकी का हमें काम नहीं है, तो इसलिए हम मिटा देते हैं। तो आइए अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी काम को 15 व्यक्ति, यहां पर देखिए 15 व्यक्ति लिखा है, 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करता है, मतलब कोई काम है जिसको 15 व्यक्ति मिलकर जब करता है तो वो 16 दिन में करता है। तो आगे इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो कितने व्यक्ति जो है ना, कितने व्यक्ति उसी काम का, मतलब इसी काम का एक चौथाई भाग, है ना, उसी काम के एक चौथाई भाग को 15 दिन में कर लेगा। मतलब दिन तो दिया है ना, लेकिन व्यक्ति की संख्या यहां पर नहीं दिया, मतलब कितने व्यक्ति मिलकर उस काम को 15 दिन में करेगा, ऐसा बोल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको शुरुआत करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, 15 व्यक्ति एक काम को, है ना, को करता है, मतलब पूर्ण करता है, मैं शॉर्टकट पे लिख रहा हूं, 15 व्यक्ति एक काम को करता है या पूर्ण करता है, पूर्ण करता है कितना दिन में करता है जी, ये करता है कितने दिन में, 16 दिन में। ये देखिए ये हो गया 16 दिन, ठीक है। तो अब एक बात और याद रखना, जो पहला जो नियम दिया रहेगा, पहला जो शर्त दिया रहेगा, क्योंकि आपको निकालना है कितने दिन का, एक चौथाई का, और आपको जब तुलना करना होगा तो इस प्रकार के आपको अनुपात समानुपात में बांटना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक चौथाई भाग का इसमें भी पता होना चाहिए। जैसे 15 व्यक्ति एक काम को करता है 16 दिन में, तो ये 15 व्यक्ति द्वारा, है ना, 15 व्यक्ति ही, यहां पर व्यक्ति लिखेंगे, 15 व्यक्ति एक चौथाई काम को पूर्ण करता है ना। देखिए 15 व्यक्ति उसी काम के एक चौथाई भाग को कितना दिन में पूरा करेगा, तो हमें 16 दिन का तो दिया था, यदि हम इसका एक चौथाई निकालें, है ना, तो ये एक चौथाई निकल जाएगा, तो कितने दिन में करेगा, 4 × 16 मतलब 4 दिन में करेगा। ऐसा क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये बोला गया है कि एक चौथाई काम, देखिए एक चौथाई काम को 15 दिन में कितने लोग करेंगे, तो हमें कम से कम एक पैटर्न तो पता होना चाहिए कि 15 व्यक्ति जो है एक चौथाई काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है, तभी तो हम यहां पर ये वाला नियम लगाएंगे जी। ये देखो ये वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। अब कैसे, अब हम मान लेते हैं यहां पर कितने व्यक्ति बोला है ना, कितने व्यक्ति, तो हम उस व्यक्ति को ही मान लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, माना एक्स व्यक्ति, है ना, माना एक्स व्यक्ति एक चौथाई काम को पूर्ण करता है, और इसमें कितने दिन में करता है वो दिया है, पूर्ण करता है कितने दिन में करता है, 15 दिन में पूर्ण करता है, मैं लिख दिया हूं, पूर्ण करता है कितने दिन में, 15 दिन में। ये देखिए अब आपको एक अनुपात और समानुपात मिल जाएगा। यहां पर देखिए 15 है, मतलब ये व्यक्ति है 15 व्यक्ति, तो ये एक्स व्यक्ति है, यहां पर 4 दिन है, तो यहां पर 15 दिन है, तो ये आपको अनुपात और समानुपात में जमाने आ जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर ये व्यक्ति है तो इसके काम करने का दिन इधर रहेगा, और अगर ये व्यक्ति है तो इसके काम करने का दिन इधर रहेगा, समझ आ गया। या फिर आप इस रूप में लिखना चाहें, अगर ये व्यक्ति है तो इसका काम करने का दिन यहां लास्ट में लिखेंगे, और ये व्यक्ति है तो इसके काम करने का दिन को यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर एक कारण लिख सकते हैं, चूंकि व्यक्ति एवं काम करने का दिन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया था कि यदि हम दिनों की संख्या को ज्यादा लेंगे तो व्यक्ति क्या लगेगा, कम लगेगा, और दिनों की संख्या को कम लेते हैं तो हमें व्यक्ति ज्यादा लगेगा, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः इसी में आप क्या कर देंगे, लगा देंगे अनुपात और समानुपात दोनों में से कोई एक, तो चलो मैं ये वाला लगाता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा पहला व्यक्ति, है ना,
यहां पर कितने व्यक्ति आएगा, 15 व्यक्ति आएगा, है ना, और यहां पर x व्यक्ति आएगा, ध्यान देते रहो, ये देखो यहां पर लिखेंगे हम 15 व्यक्ति अनुपात x व्यक्ति, फिर यहां पर आप समानुपात जमा सकते हैं, फिर इसके द्वारा किया गया दिन, मतलब इसके द्वारा उस कार्य को करने में लगने वाला दिन, तो x व्यक्ति कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और 15 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, उसके एक चौथाई भाग को, दोनों ही एक चौथाई काम को लिख रहे हैं ना दोनों के, तो देखिए 15 व्यक्ति एक चौथाई काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में, तो इसका अनुपात यहां पर लगेगा ना, ये देखो ये दिनों की संख्या है दोनों, और ये दोनों जो है व्यक्तियों की संख्या है, इसी को मुझे इस रूप में लिखना होता है। ये देखिए मैंने बताया था ना, ये जो है व्यक्ति है उसका काम करने का दिन ये लास्ट वाला है, और इसका जो है ये है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो अनुपात समानुपात में हमें जमाना आता है, 15 बटे क्या हो जाएगा एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, 15 तो ऊपर में ही रहेगा और नीचे में आ जाएगा 4। अब इसको हल करने तो हमें आता है, इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, तिरिया गुना कर देंगे, x का मान निकालना है तो x को हम क्या कर देंगे इधर ले जाएंगे, और बाकी ये जो है क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इसको हम तिरिया गुना हल कर सकते हैं, मैं यहां पे हल कर रहा हूं, आप लोग नीचे हल कर लीजिएगा। तो इसको मैं x का मान निकालना चाहूं तो x को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा 15 गुणित, ये जो है अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे साइड पक्षांतर कर रहे हैं उसको, है ना, पक्षांतर नहीं तिरिया गुना कहा जाए, तो ये हो जाएगा 4/15 बराबर क्या हो जाएगा एक्स। अब ये 15 और 15 कट गया, तो आपके पास यहां पर देखिए एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आया 4। अब ये एक्स है क्या जी, ये एक्स जो है आप शुरू में देख सकते हो जहां पर आपने माना है, ये क्या है व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया कि किसी काम का, जिस काम को 15 व्यक्ति क्या करता है 16 दिन में पूरा करता है, उसी काम के एक चौथाई भाग को कोई व्यक्ति कितने व्यक्ति मतलब 15 दिन में पूरा करेगा, तो कितने व्यक्ति चाहिए 4 व्यक्ति चाहिए, है ना, 4 व्यक्ति जो है उसी काम के एक चौथाई भाग को कितने दिन में 15 दिन में पूरा कर लेगा। तो ठीक है, यहां पर जो संख्या निकला है वो किसकी संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार के हम और अन्य प्रश्न भी बना सकते हैं, आइए मैं आपको इसी प्रश्न को बदल के देता हूं, और याद रखिए ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न के तरीके आपके बदल जाएंगे, व्यक्तियों की संख्या बदल जाएगा, दिनों की संख्या बदल जाएगा, लेकिन प्रश्न का पैटर्न नहीं बदलता है। देखिए मैं इसी को पूरा हल करके आपको बताता हूं। आइए दोस्तों, अब मैंने सेम प्रश्न तो वही बनाया है, बस उसका थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि आपने इसके पैटर्नों को सीख लिया तो आप कोई भी गणित बना सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रश्न दिया है, किसी काम को 15 व्यक्ति जो है 40 दिन में पूरा करता है, तो कितने व्यक्ति, प्रश्न तो वही है, कितने व्यक्ति जो है उस काम के चौथाई भाग को 15 दिनों में कर लेगा। ये दिनों की संख्या भी क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस प्रश्न को, इसलिए मैं इस प्रश्न को ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको तरीका सिखाना है मुझे, ठीक है। तो वो आपको बताना है, व्यक्तियों की संख्या ही बताना है। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं बदला है, यहां पर देखिए 15 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करता है, यहां पर लिखेंगे 40 दिन में करता है, ठीक है। तो उसी काम को है ना, 15 व्यक्ति उसके एक चौथाई भाग को कितने दिन में करेगा, तो यहां पर लिखा है एक चौथाई काम को, है ना, कितने दिन में करेगा, तो यहां पर लिखेंगे 40 × 1/4, मतलब एक चौथाई भाग निकालेंगे ना, तो ये कितना दिन आएगा, 4 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, मतलब यहां पर आ जाएगा 10 दिन में हो जाएगा, वो 10 दिन में करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए कितने व्यक्ति, तो उसको मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया है, माना x व्यक्ति जो है, देखिए x व्यक्ति एक चौथाई काम को पूर्ण करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। याद रखिए यदि ये वाला मान बदल देता है तो आपको इस मान को यहां पर रखना है, ठीक है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, ये तो लिखना है, चूंकि व्यक्ति एवं काम करने का जो दिन होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आपको क्या करना है, 15 व्यक्ति दिया है तो 15 लिखना है, जितना भी दिया रहेगा वो लिखना है 15 व्यक्ति, और x व्यक्ति का मान निकालना है, तो व्यक्ति का अनुपात व्यक्ति, और दिनों का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये दिन हो जाएगा 15 दिन, यहां पर इसका 15 दिन ही है, और इसको कितने दिनों में करता है, वो 10 दिनों में करता है, ठीक है, क्योंकि इसका व्युत्क्रमानुपात ये होगा ना, जब इसको हल करते हैं ना, तो ये देखो 15/ क्या हो जाएगा 100 होगा, और ये 15/ कितना होगा 10, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा ना, ये 15 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हुआ 10, और इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हुआ x, ठीक है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो कितना आता है, x का वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है, देखो ये हर में था
उसको हम अंश मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज होता है, मतलब अंश का हर और हर का अंश होता है। यहां पर देखिए 15 तो पहले से है, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज करके इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10/15, ठीक है। 15 और 15 कट जाएगा, तो आपके पास x का मान कितना आया 10, और ये जो 10 है मतलब जो x है वो क्या था, x जो है व्यक्तियों की संख्या, मतलब उस काम के चौथाई भाग को, ये देखिए मतलब उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में कितने लोग मिलके कर लेंगे, तो वो कितने लोग लगेंगे, 10 लोग लगेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार के कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।